हाय गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली सारे लोग बढ़िया हैं। तो शुरू करते हैं यार आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है यार, मतलब बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि स्टूडेंट कॉलेज ऐसा बताओ कि भाई हमें क्या है, एक सेमेस्टर में निपटाना है, दो सेमेस्टर की आफत नहीं डालनी। तो भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो भगवान ने भी सुन लिया और मैंने भी सुन लिया। तो आज मेरे साथ है भाई धैर्य भाई, ये एक सेमेस्टर के स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा है और उस स्टूडेंट कॉलेज का नाम है काइजर लाउटन स्टूडेंट कॉलेज। तो भाई धैर्य भाई, पहले तो ये बताओ कैसे हो रहा है? बढ़िया बस सब बढ़िया। तुम बताओ। यार। मैं बढ़िया यार, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो भाई मेरे पहले यार व्यूअर्स को ये समझा कि ऐसा क्या हो गया, मतलब कि तेरे को एक सेमेस्टर का स्टूडेंट कॉलेज करना पड़ा, दो सेमेस्टर में नहीं गया, और इसके बारे में पता कैसे लगा, मतलब तो कुछ। मैंने इसमें पहले अप्लाई कर दिया था, ऑनलाइन था इसका एप्लीकेशन वगैरह, वो ओपन हो जाता है 2-3 महीने पहले। और जो B2 चाहिए होता है एप्लीकेशन क्लियर, तो मेरा तब क्लियर नहीं था, लेकिन ऑनलाइन कर दिया था। और जब क्लियर हुआ तब मैंने कंफर्मेशन करके डॉक्यूमेंट भेज दिए और उन लोगों ने 1-2 दिन में ही मेल से मेरे को आइन लाडूम दे दिया था। और जब मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट किया इधर, फिर देखा कि भाई कैसा रहता है ये सीन, तब पता चला कि ये एक सेमेस्टर का है। तो ये लक बाई चांस मेरा एक सेमेस्टर वाला हो गया था, तो अच्छा मेरे अच्छा को भी समझ नहीं गया। पता था या रिसर्च नहीं किया था। अच्छा मेरे भाई, तो यार ये जैसे तूने बताया कि एक सेमेस्टर स्टूडेंट कॉलेज तेरे को, खैर अब तेरे को लग बाय चांस मिल गया, लेकिन जो ये लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए लग बाय चांस नहीं होगा, उनको ये पहले से ही नॉलेज होगी। तो आई होप आप व्यूअर्स लोग समझ भी गए होंगे भाई, ये जो मैंने सीरीज शुरू किया आपकी कितनी हेल्प कर रही है। आपको पहले से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट कॉलेज भी है जो एक सेमेस्टर का है। खैर अब ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता हूँ मेरे भाई। तो ये बता कि जैसे ऑफनामा प्रूफिंग था इसका, जैसे इसका भी कोई ऑफनामा प्रूफिंग रहा था या फिर क्या डायरेक्ट एडमिशन था? क्योंकि ये एक सेमेस्टर का है तो मेरे ख्याल से कुछ अलग सिस्टम हो सकता है। तो क्या सिस्टम था मेरे भाई, ये समझा? नहीं, नॉर्मल ऑफ नंबर रहता है सब स्टूडेंट कॉलेज में, अच्छा वैसा ही था उसका ऑफ नंबर। और एक ओके बात है कि लैपटॉप में था पूरा, ऑनलाइन ओके ये ऑनलाइन पेपर था। परचेस करते हैं। ओके उसमें मैथ्स का तो नॉर्मल रहता है, हमारे लिए तो इजी रहता था, लेकिन DOEC है वो थोड़ा नीवो उसका थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि अच्छा वैसे भी वो B2 मांगते हैं पहले हाँ जी हाँ जी एडमिशन के लिए। तो वो सी टेस्ट रहता है ऑनलाइन और टाइम लिमिट में करना रहता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो थोड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन हो गया मैं लक बाय चांस, वो भी वैसे ही बोलूंगा। क्योंकि अच्छा इसका जो पासिंग सिस्टम है वो कट ऑफ सिस्टम वाला है, बाकी जैसा नहीं है कि भाई रैंकिंग वाला है। इसमें हर साल कट ऑफ रहता है, तो मेरे टाइम पे DOEC में 40 था और मैथ्स में 50 था, तो जिसके भी DOEC में 40 अप मैथ्स में 50 अप आए तो उनको सीट मिल जाती है। समझ गया मेरे भाई। हाँ ये मेरे भाई, ये भी बात मैंने सुनी है एक काइजर लाउटन स्टूडेंट कॉलेज की। ये एक बात अच्छी है कि यहाँ पे ना कोई सीट वाला सिस्टम नहीं है कि मान लो हर स्टूडेंट कॉलेज में रहता है कि 50 सीटें हैं तो इतने बच्चे सेलेक्ट करेंगे। इसमें ऐसा है कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया एग्जाम की तो आपको एडमिशन मिल जाता है। ये बात सच कितनी है बस मेरे भाई, वो ये बताओ मेरे पूरी सच है, वैसा ही रहता है। और भाई। जब अच्छा रिजल्ट आता है ना तो उसमें सब बच्चों का एज ए PDF आता है, तो उसमें ऊपर लिखा ही होता है दोनों में पास, लेकिन वो एक जरूरी है कि दोनों में पास हुए तभी सीट मिलती है। ओके तो इस बार मतलब तेरा क्या रहता है, कोई एवरेज बता, एवरेज कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम देने आते हैं एंड उनमें से कितने इंडियंस होते हैं एंड कितने सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि ऐसा रहता है ना कि ऑफनामा प्रूफिंग में भी ये जो करते होंगे ये थोड़ा ऐसा तो रखते होंगे कि हर एक नेशनैलिटी से बंदे चाहिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट कॉलेज में तो यही रहता है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या सीन है? इधर वैसा कोई सीट नहीं है, मैं इंडियन से नहीं मिला था ऑफ नामों के टाइम, तो ओके इंडियंस बहुत कम आते हैं क्योंकि नॉलेज इतनी नहीं रहती इसका, इतना मतलब फेमस भी नहीं है। और इंडोनेशियंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, विंटर ओके सेमेस्टर में तकरीबन 250 से 300 बच्चे आते हैं और समर में 350 से 400 जितने आते हैं, और जितने आते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे टाइम पे भी मैं बताऊं तो मेरे जो जितने भी साथ में थे बंदे उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी काइजर लाउटन की। मेरे को थी नॉलेज काइजर लाउटन की, लेकिन मेरे को ये था कि यार एक सेमेस्टर का है तो क्या पता ये आगे चल के वैलिड हो या ना हो, मैं कोप अप कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। मतलब इतना सारा सिलेबस एक ही बारी में करा देंगे ना, राइट, एक सेमेस्टर के अंदर, तो वो मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। और मेरा वैसे भी ड्रीम था कि मेरे को KIT स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ना था, तो खैर वो तो हो ही गया था। लेकिन मेरे भाई ये बता, जैसे तूने बोला एक तो B2 लेवल है तो डेफिनेटली जर्मन मुश्किल होती है, ठीक है, ये बात तो मैं तेरी समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछते हैं और जो जर्मन है, मतलब लेवल बता किससे कंपेयर कर सकता है मैथ्स के टॉपिक का, JEE मेन से और JEE एडवांस से कंपैरिजन में क्या लेवल है?
नहीं, जो मैथ्स का आता है वो आई थिंक 11th पिक है ना, थोड़ा इंसल्ट जैसा रहेगा कि हाँ मैथ्स ओके का तो अच्छा बहुत इजी रहता है, जर्मन का लेवल ऑब्वियसली थोड़ा रहता है हाई, और मेन दिक्कत यह है कि टॉपिक थोड़े नए नए आते हैं, जैसे हमने सुने ओके भी नहीं होंगे वैसे टॉपिक आता है, तो इतना आइडिया नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सोचना पड़ता है। और एक ये अच्छी बात है कि ये लोग सुलासुंग के साथ अपना वेब पेज पे एक है ऑनलाइन कोर्स जैसा, तो उसका लिंक और पासवर्ड भेजते हैं, तो उससे सब कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्या करना है, उसमें टॉपिक चैप्टर सब कुछ रहता है, मैथ्स का प्रिपेरेशन का और डॉयज का भी थोड़ा बहुत। नहीं, ये तो यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि तेरे को एक तरीके से मटेरियल मिल रहा है कि ये आएगा एग्जाम में, तो ये पढ़ लो, और ये तुम्हें यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मेरा क्या था, बाकी व्यूअर्स को भी पता ही है कि मैंने व्यूअर्स के लिए क्या बोलते हैं अपने कम्युनिटी टैब पे वो प्रोवाइड कर रखे हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। और ये ऐसा था, ये भाई मैंने खुद ऑनलाइन ढूंढे थे, सर्च और रिसर्च मारी थी गूगल पे बैठ के पूरा प्रॉपर, मेरे को यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड नहीं किया था। और यहाँ पे भाई यूनिवर्सिटी वाले ही हेल्प कर रहे हैं कि तुम्हें बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और मतलब पूरा इस हिसाब से पढ़ के जाना और ये सब एग्जाम में पूछेंगे, जो कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को लगी यार। ये ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा था डेफिनेटली। हाँ ये सही बात है, मैंने एक वीक इन्होंने जो दिया था उसमें से प्रैक्टिस की और उससे ही मेरा निकल गया, राइट और राइट कुछ ये मैंने तो किया नहीं था कि भाई पूरा 12th का सिलेबस 11th 12th का किया और वैसा, हाँ जी हाँ जी सिर्फ इन्होंने जो समझ दिया था वो दिया वो किया और वही आता है, वैसा नहीं कि एक्स्ट्रा पूछते, जो दिया है उसमें से आता है टॉपिक वाइज। नाइस नाइस ये समझ गया, क्योंकि मेरा क्या था भाई, मैं तो आरडी शर्मा सही में पूरा आरडी हाँ शर्मा के जो फॉर्मूलाज है वो रट रहा था सही में बैठ के एंड ऑनलाइन पेपर सॉल्व कर रहा था, लेकिन ये अच्छी चीज है। तो इसकी मेरे भाई क्या सेमेस्टर फीस कितनी है तेरे स्टूडेंट कॉलेज की? 250 यूरो है, और जो यूनिवर्सिटी का कार्ड आता है उसमें ही ये ट्रेन की और बस की टिकट सब आ जाता है तो उसमें। मतलब तू कहना चाह रहा है 250 यूरो में तेरी कॉलेज की फीस भी हो गई और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी निकल गया, हाँ बस तो सही। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई काइजर लाउट। और वैसे यार इससे याद आया कि ट्रांसपोर्ट से कि काइजर लाउट वैसे सिटी कैसी है, कैसा सीन क्या है वहाँ पे, दोस्त वोस्त बने तेरे या क्या रहा वो बताया? हाँ दोस्त वोस्त बन गए थे, अच्छे थे। और काइज़रस्लाउटर्न तो मेन इसलिए फेमस है कि इधर अमेरिकन आर्मी कैंप है, उनका एयरबेस है, तो अमेरिकन बहुत ज़्यादा इधर अराउंड 50% आपको मिल जाएंगे सड़क पे, ओहो आप किधर भी जा रहे हो बाहर तो 50% रहते हैं अमेरिकन, तो ओके इंग्लिश बोलते नजर आएंगे, और जी 50-50 चलता है इधर इंग्लिश और जर्मन, तो वो एक अच्छी बात है, और लोग भी बहुत बढ़िया इधर। ये तो बढ़िया चीज है, मतलब 50% इंग्लिश एंड 50% जर्मन। हाँ मतलब इसको मैं नॉर्मलाइज नहीं कह सकता कि एक मतलब होता है ना कि स्टैंडर्ड नहीं कह सकता कि पूरे जर्मनी में ऐसे ही रहता है कि हर जगह हाँ इंग्लिश भी चलती है जर्मन भी चलती है, कई बार तो ऐसा भी रहता है कि सिर्फ जर्मनी होती है इंग्लिश तो काम ही नहीं आती, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। तो अमेरिकन होने की वजह से तो मतलब क्या पार्टी वार्टी सिटी है या नहीं है काइज़र लाउटन में? वो सब चलता रहता है इधर, मतलब फन फेयर रहता है, अमेरिकन कोई फेस्टिवल तो होता है तो वो भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो एक अच्छा रहता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि भाई थोड़े फेस्टिवल थोड़े ज्यादा रहते हैं अमेरिकन की वजह से, क्योंकि हाँ वो जी हाँ। सेलिब्रेट करते हैं इधर। तो यार व्यूअर सोच रहे होंगे अब ये कि मैं हर वीडियो में पूछ लेता हूँ कि भाई फन एक्टिविटीज हैं या नहीं, भाई आप लोग भी समझ दो यार ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, हर टाइम तो पढ़ाई कर नहीं सकते ना भाई, थोड़ी फन एक्टिविटीज ये सब होनी चाहिए ना, नाइट लाइफ भी होनी चाहिए, मतलब जो भी होगा नाइट लाइफ नहीं चाहिए किसी बंदे को, वैसे किसको नहीं चाहिए होती, और मतलब जो भी है फन एक्टिविटीज होनी चाहिए, खेलने कूदने वाली चीजें भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यार ये चाहता हूँ कि हर वीडियो में व्यूअर को पता लगे कि इस सिटी में लाइफ भी है, सिर्फ ये नहीं है कि हाँ वहाँ पे जाके सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई है ऐसा भी है। तो मेरे भाई ये मतलब जैसे तुरा जो ट्रांसपोर्ट कार्ड है जैसे तूने बताया, तो ट्रांसपोर्ट कार्ड में क्या मतलब काइजर लाउटन के आसपास की सिटीज भी घूम सकते हैं जो ट्रैवल वाले बंदे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, फिर क्या मतलब हाँ कैसे? उनके लिए अच्छा रहेगा कि मानहाइम है वो बहुत बड़ा ओके सिटी है, हाइडलबर्ग मेजर भी है वो सिटी इस है। तरह का सिटी है, हाँ तो उधर ट्रांसपोर्टेशन चलता है इसका, हालांकि वो बाडेन विटनबर्ग में आते हैं, लेकिन उधर जो वो मिक्स ट्रांसपोर्टेशन है हमारे स्टेट का राइट जो है राइट वो भी है और बाडेन विटनबर्ग का भी है, तो वो मेजर सिटी है उधर जा सकते हैं ये कार से। हाँ नाइस मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बोखुम स्टूडेंट कॉलेज में ऐसा था जैनल भाई ने बताया था कि नेदरलैंड जाके आ सकते हैं, दो सिटीज घूम सकते हैं, तो इसमें भी है कोई ऐसा है कोई कंट्री जाके घूम लिया? नहीं वैसा कोई है नहीं, फ्रांस का बॉर्डर नजीक रहे मतलब पास में ही है वो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में नहीं आता, उसके लिए फिर अलग से पे करना पड़ता है। समझ गया मैं, लेकिन ठीक है ये भी अच्छी चीज़ है कि पास में है फ्रांस भी, तो फ्रांस की भी एक दो सिटीज जैसे जाके घूम ली। मेरे यहाँ पे भी पास में स्ट्रासबुर्ग करके है, तो स्ट्रासबुर्ग में
मतलब बहुत लोगों को पता होगा कि यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है वहाँ पे, तो इसलिए भी फेमस। और मतलब अच्छी जगह है यार, थोड़ा एक हो जाता है ना कि बोलने को भी हो जाता है कि भाई चलो थोड़ा हाँ फ्रांस भाई फ्रांस होके भी आ गया, ये भी चीज़ है भाई, समझ रहा सही है हूँ। भाई। हाँ तो ये तो मेरे भाई तूने जैसे जनरल वाइब वाइब भी बता दी कि ऐसी सिटी की वाइब वाइब रहती है, तो अब मेरे भाई ये बता कि तेरे को स्टूडेंट कॉलेज में कोई दिक्कत आई थी जैसे तूने पढ़ाई वढ़ाई शुरू की। जैसे मैं अपना सीन बताऊं, मैंने बहुत बार बता रखा है कि यार 1 महीना मेरे को, मैं सही बताऊं, मेरे को डायलेक्ट थोड़ा पकड़ने में दिक्कत आई थी, जो टीचर समझा रही थी उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद सब स्मूथ हो गया था। तो तेरे साथ ऐसा क्या रहा था मेरे भाई, क्योंकि नेचुरली हम जो इंडिया से करके आते हैं और जो जर्मनी से जो जर्मन पढ़ते हैं उनमें यार थोड़ा डिफरेंस तो रहता है लेवल का, लेकिन जो इंडिया से करके आता है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब वो ठोस है फुस्सी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अपना लेवल भाई कर लेता है। 1 महीने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो आ जाता है, लेवल पे आ जाता है। तो तेरा क्या एक्सपीरियंस था इसके मामले में? बस तूने बताया वैसे ही, मतलब 1 महीना लगता है लाइन में आने के लिए, उसके बाद सब समझ में आ जाता है और सॉफ्ट रहता है। और जो जर्मन वाला तूने जो बताया वो वैसे ही एक्सेंट रहता है सब, मतलब सब स्टेट का, तो इधर का भी है, तो वो इतना सारा नहीं रहता क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज में इतना सारे जो प्रोफेसर रहते हैं वो तो हुक बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर बाहर जाएगा तो थोड़ा रहता है। और जो इधर से जिन्होंने किया है जर्मन, उनकी मैंने बहुत सारे देखे हैं, जो इंडिया से करके आते हैं उनकी जर्मन बेटर होती है जिन्होंने इधर किया है। अच्छा ऐसा भी है। हाँ, हाँ क्योंकि इंडिया मैंने भी में नहीं, प्रॉपर लैंग्वेज होती है, इधर थोड़ा सा लाइटली लेते हैं वैसा रहता है इसलिए। हाँ नहीं ये चीज यार, ये मेरे भाई मैंने भी नोटिस किया है, वैसे वही मैं कह रहा हूँ ना इसको, लेकिन मेजोरिटी देखे तो जो जर्मनी से करते हैं जर्मन, उनका थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा हाँ कि वही है। बहुत ज्यादा ही ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर हाँ होता है, मतलब वो यार यहाँ पे जर्मनी में आके जर्मनी नहीं सीख रहे और थोड़ा आवारा गर्दी साइड में ज्यादा हो गया हाँ ना, तो फिर बराबर ही हो जाना है मेरे भाई लेवल। हाँ इंडिया में क्या, इंडिया में या फिर कोई भी अगर अपनी आप होम कंट्री में सीख रहे हो तो कम पैसों में आप सीख के सीधा कर सकते हो और लेवल पे आ सकते हो, जो कि अच्छी बात है, हाँ ये और कम बढ़िया। पैसों में भी हो जाता है, और वो भी मतलब एक मोटिवेशन रहता है कि भाई अभी वो कंट्री में नहीं है तो उधर जाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो राइट वो राइट एक बात मैंने देखी है ज्यादातर बंदों में। हाँ हाँ ये चीज़ तो है मेरे भाई, ये चीज़ भी है। अच्छा